आपके शब्दों में रचनात्मकता होना बहुत ही जरूरी है। लोग ना तो अच्छा तरीके से सुनते हैं, ना लोग अच्छे तरीके से बात करना चाहते हैं, और लोग ये चाहते हैं कि उनको जब भी जो सुनने के लिए मिले वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अच्छा सुनने। लेकिन कभी आपको कभी ऐसा लगे कि कभी अच्छा सुनने के लिए नहीं मिला है, तो आप उसको अच्छा कर लें। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपने आज जो ये सिलसिला शुरू किया है, अब आपने आपको अपने इस तरीके से डेकोरम कर लिया है, अब आपने अपने आपको इस तरीके की व्यवस्था दे दी है कि कहीं कोई खराब नाम कोई चीज रहेगी नहीं आपके जीवन में। यदि कोई खराब व्यवस्था होती है, तो यदि आपकी वह प्रेजेंस होती है, तो वो व्यवस्था को आप ठीक करेंगे, ऐसा मान के उस जगह को बैठना। जब मैं क्लास में आया तो एक किताब मेरे हाथ में थी, शायद नया हो गया, बड़ी पढ़ रहा था, टाइम मिला नहीं, तो चैप्टर बड़ा था, तो मुझे लगा कि अगर कहीं मैं भूल जाऊंगा तो किताब साथ ले लीजिए। और मैंने पढ़ा भी आज तक यही है कि जिस व्यक्ति के हाथ में किताब होती है उससे आपको कभी डरने की जरूरत नहीं होती। और लोगों ने तो ये भी लिखा है कि आप उस व्यक्ति पे कभी भी विश्वास मत कीजिए। उस व्यक्ति पे आप कभी भी विश्वास मत कीजिए जो अपने साथ में कोई किताब न रखता। और एक क्लास में तो मैंने बात किया था किताबों के बारे में, दूसरी क्लास में मुझे समय नहीं मिला, लोग किताबों के बारे में बहुत अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं। एक दृष्टिकोण ये भी है कि जब आप किताब खरीदते हैं तो गरीब बन जाते हैं, पढ़ते हैं तो अमीर बन जाते हैं, और अमल करते हैं तो रईस बन जाते हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोग रईस, आप इस तरीके की व्यवस्था से परिचित हैं। आप इसमें एक पार्ट बनाइए, मैंने बहुत अच्छा वातावरण देखा है चार दिन आपका, कि आप लगभग जो भी क्लास से हुई है आपके मन में किस तरीके की इच्छा आ रही है कि सब्जेक्ट को और ज्यादा सुना जाए, तो ये आपके लिए, हमारे लिए और संस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो संकेत मिल रहे हैं ये आपके हमारे घर के क्लाइंट के लिए बहुत ही जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप कोशिश करें कि यहाँ से जाने के बाद पढ़ते रहें। तो जो